आप ना बुरा ना मानना जी, लेकिन ये मेरे दिल की बात है। मेरे मेरी किस्मत में ऐसा साथ क्यों लिखा है जिसमें हफ्तों हफ्तों महीनों की दूरी है। औरों के भी तो शौहर होते हैं ना, आते हैं, रहते हैं, घूमने जाते हैं। वैसे ही होता है ना, जैसा होना चाहिए वहाँ पे भी जैसा है। तो फिर मुझे ऐसा साथ क्यों नहीं मिला, मुझे ऐसा घर क्यों नहीं मिलता? भूख हड़ताल करने से हकीकत बदल जाएगी क्या? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या सोच रहे हो? What do you want me to do? Imagine. थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी मुझे इस रिश्ते में। कब तक? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाओ। What? ऐसी क्यों देख रही हूँ जैसे मैंने कोई बहुत अजीब बात बोल दी? तुमसे थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना मैं। बीवी थी वो मेरी, साथ था उसका मेरा। एक बात भूल रहे हो, मैं बहुत बारीक बात, मेरी जान, आई नो इट्स हर्टिंग, लेकिन ये हर्टिंग वर्टिंग भी ना एक उम्र तक अच्छी लगती है। फॉर अ मैच्योर मैन लाइक योरसेल्फ, जिसकी एक बेटी है और जिसका घर बार है, ये देवदास बनना ना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। या तो ना कि उसका इंतकाल हो गया है, तो बंदा अफसोस भी करता है कि हाय बेचारे, धोखा दिया है उसने तुम्हें, पागल बनाया है उसने तुम्हें। मेरे लिए तो वो वैसी थी जैसी थी, सिर्फ तुम थे जो एक जिम्मेदार शोहर का किरदार निभा रहे थे। अब तो सिर्फ फर्ज रह गए हैं या कर्ज। सैडली बट यस। हर्ट सिर्फ यहां नहीं हो रहा, यहां भी है। वापस आए हो तो पूरे तरीके से आओ, पूरे उम्र। मैं किसी ऐसी चीज के लिए तुम्हें कंसोल नहीं करूंगी जिसके लिए मेरे अपने कोई इमोशंस नहीं है। जहर एक चोर थी और एक मुजरिम को सिर्फ सजा मिलती है, उसके लिए रोया धोया नहीं जाता।